महाराष्ट्र की राजनीति का भूचाल अब नीतीश के गढ़ बिहार तक पहुंचा। क्या महाराष्ट्र के बाद अब नीतीश की सरकार में भी होने वाला है बड़ा उलटफेर? आखिर क्यों उठ रही है बिहार की सरकार में सत्ता पलटने की बात? महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा और भतीजा के आपसी विद्रोह ने इस कदर उलटफेर किया जिसकी कल्पना भी शरद पवार ने नहीं की होगी। चाचा शरद पवार को भतीजे अजीत पवार गच्चा दे गए और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ बिल्कुल वैसा ही खेल खेला जैसा कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ खेला था। महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक आया तूफान अब बिहार तक पहुँच गया है। इस मामले ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की आँखों की नींद उड़ा कर रख दी है। अब बिहार में क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले आप जरा देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक ये क्या से क्या हो गया। दरअसल महाराष्ट्र में सियासत ने ऐसी करवट ली कि सरकार के साथ ही विधानसभा की तस्वीर भी बदल गई। सुबह जो अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता थे वो शाम होते होते महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम बन चुके थे। सियासत की बिसात पर अपनी चाल रणनीति से चौंकाते रहे मराठा छत्रा शरद पवार खुद चौंक गए। पवार के सामने अब उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम और निशान को बचाने की चुनौती आ खड़ी हुई है जिसकी नींव खुद उन्होंने ही रखी थी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण बहुमत में है और ऐसे में बीजेपी का अजीत पवार को साथ लेना और 9 मंत्री पद देना सबको चौंका रहा है। लेकिन अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार में भी जल्द बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बिहार में पलटूबाज नेता का तमगा हासिल कर चुके नीतीश कुमार वैसे अपने फायदे के लिए कब क्या कर जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की राजनीति पर पूरे देश की निगाहें टिक गई हैं। यहाँ बिहार सरकार को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही चुनाव से पहले फिर से भाजपा की गोदी में जाकर बैठ सकते हैं, तो कुछ लोग उनकी पार्टी जेडीयू के भी दो फाड़ होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में उठने वाला भूचाल कहां जाकर शांत होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पाला बदलने से अपनी विश्वसनीयता सिर्फ राजनीतिक दलों में ही नहीं बल्कि आम जनता में भी खो चुके हैं। उनकी पार्टी जेडीयू के ही कई नेता नीतीश कुमार से नाराज हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपना अलग मत रखते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिन तक बिहार की सरकार नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि उनकी पार्टी के दो फाड़ होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश आने वाले तूफान को पहचानने में माहिर खिलाड़ी हैं और ऐसे में वो तूफान के आने से पहले बीजेपी में पाला बदल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा करके इस आशंका को और भी बढ़ा दिया है कि नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी को एनसीपी के ज्यादातर नेता पीएम के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते थे और यही हाल अब बिहार में जेडीयू में भी होने वाला है और इसीलिए नीतीश कुमार पहली बार अपनी पार्टी के विधायकों से अलग अलग मिल रहे हैं। उन्हें डर है कि उनके विधायक पाला बदल सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि जैसा खेल महाराष्ट्र में हुआ है अब वैसा ही बिहार में भी होने जा रहा है। इससे बिहार की सियासत के गलियारे में भी हड़कंप मचा है। अब नीतीश अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।